So you guys and welcome back. अगर तुम लोग बिली बस राइज देख रहे हो तो तुम फैंग को जानते होगे। और फैंग के पास एबिलिटी है, वो ब्लेडर्स की पावर को देख सकता है, या फिर बोला जाए उनकी पावर ऑरा को वो देख सकता है। हमने देखा है वो आंखों को ग्लो करता है और दूसरों की पावर ऑरा को देख पाता है। तो ये वो कैसे करता है, इसके बारे में बात करने वाला। और साथ ही साथ एक सिमिलरिटी है नारुतो के कैरेक्टर यानी माजरा से। जब माजरा ने माइक गाई की पावर दिखी थी, मतलब चाकरा दिखी थी अपने रिनेगान की मदद से, तो वैसे हमारा जो फैंग है वो भी कर सकता है। तो एक सिमिलरिटीज भी है, मतलब थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, मतलब मेरे ओपिनियन में सिमिलरिटी है। सो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि वो देखता कैसा है। तो देखो, इसके पहला थ्योरी जो है वो मेरे अकॉर्डिंग है उसका बेबलेट। शायद हो सकता है उसके बेबलेट में ऐसी पावर हो जिसकी वजह से दूसरे की पावर ऑरा को देख सकता है। तो मेरे सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा फैंग है वो एक जंगलों में, मतलब नेचर के बीच रहता है, और साथ में जो वो ट्रेनिंग करता है वो एकदम मतलब एक अलग टाइप की ट्रेनिंग है। मतलब ऐसा पोज बनाना, मतलब ऐसा कुछ योगा टाइप का करना। तो हो सकता है ये ट्रेनिंग में वो परफेक्ट हो चुका हो, या फिर मतलब इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है, इसलिए उसको सब मास्टर भी बोलते हैं। और इन ट्रेनिंग की मदद से उसके अंदर ये एबिलिटी ज़रूर आ गई होगी, मतलब उसकी आंखों की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी इतने सब कुछ योगा की वजह से, और इतने सारे मतलब ऐसे ट्रेनिंग की वजह से उसके अंदर ऐसी पावर आ गई होगी जिसकी वजह से वो अपनी आंखों से ही दूसरों की पावर ऑरा को देख सकता है और बोल सकता है इसके पास कितनी पावर है और कौन क्या क्या कर सकता है, मतलब सब कुछ देख सकता है इन ट्रेनिंग के बदौलत। तो ये तो मेरी ये थ्योरी थी, मतलब सेकेंड थ्योरी। पर मेनली मुझे लगता है कि उसके बेबलेट की पावर होगी, शायद उसके बेबलेट के ऑरा में कुछ ऐसा पावर है जिसकी वजह से दूसरों को देख सकता है दूसरों की पावर ऑरा। तो हाँ, ये थे मेरे थ्योरी। तुम सबके क्या ओपिनियन इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हाँ यार, बाय।